हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वायरल एलोवेरा हेयर वॉश हैक शेयर करने वाली हूँ। और ये जो हैक है, काफ़ी पुराना हैक है, मतलब इसको मैं 3 साल से यूज़ करती हूँ। इस पर मैंने एक साल पहले एक वीडियो भी बनाई थी, जिसका मैं यहाँ पे थंबनेल शो कर दूँगी और आप देख सकते हैं। तो ये हैक जो था बहुत ज़्यादा सिंपल था, बट आजकल जो वायरल हैक चल रहा है उसमें उसको घुमा फिरा के मतलब वही हैक है, बट उसको ज़रा घुमा फिरा दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैक था। और अभी मैंने जो है एलोवेरा लीफ ले ली है, मैंने 2 ली है, बट अगर आप नॉर्मली लगाओगे ना एलोवेरा तो आपको 1 लीफ के में हो जाएगा, बट ये हैक में थोड़ा ज़्यादा वो ले रहे थे। तो यहाँ पे मैं आपको मेरे बालों के हाल देख सकते हो, कितने ज़्यादा डैमेज हो रखे हैं। यार ये क्यों हुए हैं, आप मेरी जस्ट प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मैंने एक दिन पहले ही वो वीडियो डाली है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हो क्यों मेरे बाल ऐसे हुए। ठीक है, तो ये हैक है कि एलोवेरा आपको अपने बालों में लगाना है, उसके बाद हेयर वॉश करना है नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो है एलोवेरा का जितना भी येलो मैटर है वो मैंने निकाल दिया था, सुबह मैंने रख दिया था एलोवेरा, और अब मैं इसको साफ कर रही हूँ, मतलब किनारे किनारे से काटना होता है। और नॉर्मली जब आपको लगाना होता है ना एलोवेरा, सिंपल मैं आपको बताती हूँ, आपको जो है एलोवेरा ऐसे काटना है दोनों साइड से, और उसका अपर पार्ट निकालना है, डायरेक्ट अपने बालों पे लगा लेना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैक है, इस टाइप से आप कर सकते हो, बट ये क्योंकि वायरल हैक है तो उसी टाइप से अभी मैं करूँगी। ठीक है, और एलोवेरा आपको नॉर्मली भी अपने बालों में लगाना चाहिए, क्योंकि ये हीट प्रोटेक्टेड होता है। और अगर आप इसको बालों में लगाते हो तो जैसे सन रेज से भी आपके बालों को ये सेफ रखता है, एक तरफ से हेयर मास्क होता है, तो आपको लगाना चाहिए एलोवेरा अगर आप बाहर भी जाते हो। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ चिपचिप बाल हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, थोड़ी देर तक रहेंगे बट कुछ देर के बाद आपके बाल जो है नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, और जब बाल आप धोगे तब भी आपके बालों को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एलोवेरा ले रही हूँ, तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो, या तो चाकू की हेल्प से, या फिर आप एक कॉम्ब ले लीजिए कॉम्ब की हेल्प से। और ये जो काम होता है ना, बहुत ज़्यादा मैश होता है इस काम में, मतलब एलोवेरा से वो निकालने में, ये जेल निकालने पर कॉम्ब से करोगे तो कॉम्ब से ज़्यादा अच्छे से जो है एलोवेरा निकलता है। जिनके पास मोटी वाली एलोवेरा होता है, जो मतलब थोड़ा थिक लीफ होती है उसकी, तो वो सही रहता है। मेरे पास ये बहुत पतली थी, क्योंकि जब हम इसको ग्रो कर रहे थे तो वहाँ पर इसको जगह नहीं मिली अच्छे से फैलने की। तो ये मैंने सारे एलोवेरा निकाल लिए हैं, और मतलब 2 लीफ थी, और उसके बाद थोड़े थोड़े से टुकड़े थे एलोवेरा के, वो मैंने इसमें डाले। ठीक है, अब मेरे पास मिक्सर तो था नहीं, तो मैंने ना इसको सिलबट्टे में पीस लिया था, मतलब तो वो ढंग से तो नहीं पीसा क्योंकि नहीं हो रहा था वो, बट हाँ सिलबट्टे में मैंने इसको पीस लिया था, और ज़्यादा तो नहीं हुआ बट ठीक ठाक सा हो गया था। ठीक है, अब इसको मैं डाल रही हूँ इस कटोरे में, और ये मैंने डाल लिया है पूरा का पूरा, इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जैसे कि वो हैक था, तो पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है, और हाफ ग्लास मैंने इसमें पानी डाला, और कुछ इस टाइप से इसका टेक्सचर आया। बट ये ना बहुत ज़्यादा मैशी वाला काम है, मतलब अगर आप मिक्सर है आपके पास तब भी ठीक है, बट फिर भी जब तक आप एलोवेरा निकालोगे ना तब बहुत ज़्यादा ना घिचड़ पिचड़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने बालों पर लगा रही हूँ, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप उसको डायरेक्ट अगर सीधे सरफेस से डाल के उसको लगाओगे तब भी ठीक है, अभी डिप करने का मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप डायरेक्ट हाथ में लेके उसको अप्लाई कर सकते हो अपने बालों में, इजीली कर सकते हो, बट डिप करके वो और फिर यहाँ तक नीचे वाले बालों में तो लग जाएगा, ऊपर वाले बालों में फिर वो दिक्कत कर रहा था, और पूरा मतलब वो क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में था तो वो जरा सा लग रहा था, और उसके बाद नीचे जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पूरे बालों पे इसको अप्लाई किया था, मतलब ऊपर के बालों में, इसमें भी मुझे पूरा 1/2 घंटा, मतलब ये पूरा प्रोसेस जो मेरा था ना, ये पूरा मुझे 2 घंटे लगे। और जब मैं नॉर्मली इसको करती हूँ तो मैं रात को वो लगा लेती हूँ, बट मैं तेल के साथ मिक्स करके एलोवेरा लगाती हूँ और फिर सुबह अपने बाल धो देती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 1/2 घंटा लगता है, मतलब उतना भी, मतलब मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, बट इसमें मेरे को पूरे 2 घंटे लगे थे। खैर, यहाँ पर मैं वीडियो भी शूट कर रही थी तो उसकी वजह से भी हो सकता है, बट नॉर्मली मतलब टाइम मेरे को इसमें लगा था काफ़ी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने पूरे बालों पे लगा लिया था, उसके बाद जूड़ा बनाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि ऊपर के बालों में या नीचे के बालों में मतलब बाल जो थे हैवी हो गए थे ना, तो वो बन नहीं रहा था एग्जैक्ट जूड़ा। फिर ये मैंने बनाया था, और उसके बाद मैंने 1/2 घंटे के लिए छोड़ दिया था एलोवेरा अपने बालों पर। तो अब देखते हैं आगे रिजल्ट क्या होता है।
तो ये जो था मतलब ये पूरा का पूरा यूज़ नहीं हुआ था, मतलब यूज़ हुआ ही नहीं था वो जो एलोवेरा जेल था, क्योंकि वो सारा बह जा रहा था बार बार। तो मैंने उसको जब मैं धो रही थी बाल तभी मैंने अपने बालों में उसको पूरा डाल दिया था। अब मैं जो है हेयर वॉश कर रही हूँ और मैं शैम्पू नहीं लगाऊंगी, क्योंकि शैम्पू लगा लिया तो फ़ायदा ही क्या, वो पूरा को पूरा एलोवेरा तो बह जाएगा, तो शैम्पू नहीं करना है। हाँ, अगर आपने तेल लगाया है बालों पे तब तो आपको शैम्पू की ज़रूरत पड़ेगी, बट नॉर्मली जब आप एलोवेरा या एलोवेरा लगा रहे हो तो तब आपको शैम्पू की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट ये भी है कि मैंने कल जो है हेयर वॉश किया था तो मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अगर आप दो तीन दिन बाद कर रहे हो इसको तो तब आप शैम्पू कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे जो है एलोवेरा यूज़, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे बाल जो है बिल्कुल टेंगल फ्री हो गए थे। यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, बिल्कुल टेंगल फ्री हो गए थे और स्मूथ इससे बाल हो जाते हैं नॉर्मली, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ इससे बाल हो जाते हैं अगर आप वैसे भी करोगे। मैं ऑयल के साथ इसको यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको पूरा जो है अच्छे से हेयर वॉश किया। अब मैं आपको फाइनल रिजल्ट बताती हूँ। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। तो अभी वैसे पूरी तरह मेरे बाल तो नहीं सूखे हैं, बट आप देख सकते हो, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे कल मेरे बालों के क्या हाल हो गए थे, और अभी आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गए थे, टेंगल फ्री तो मैंने कर लिए थे पहले, तो यहाँ पे जो है स्मूथ हो गए थे और काफ़ी अच्छे हो गए थे। और हाँ, थोड़ी खुशबू जो है बालों से एलोवेरा की आएगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर नॉर्मली आएगी, और नीचे तो खैर वो वैसे ही हैं, बट हाँ ठीक, मतलब अच्छे स्मूथ इससे मेरे बाल हो गए थे। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली थी। और कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।